स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों पर। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए बयान का मामला। सरस्वती शिशु मंदिर के पुराने छात्र पहुंचे दिग्विजय सिंह के खिलाफ जहांगीराबाद थाने। बयान को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दिया आवेदन। दिग्विजय सिंह ने दिया था जहांगीराबाद के नीलम पार्क में बयान। सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को सिखाया जाता है धार्मिक उन्माद। पहुंचे जहांगीराबाद थाने आप दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ, क्या मांगे आपकी? देखिए देश भर में 25,000 सरस्वती शिशु मंदिर संचालित है। पिछले 50 वर्षों से देश में संस्कार और शिक्षा दोनों एक साथ दी जा रही है। सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए 455 छात्र IITian हैं, जो देश और दुनिया में अलग अलग जगह पर बड़े संस्थानों में ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इंफोसिस में बड़े बड़े मुकाम पर, बड़े बड़े पदों पर हैं। देश के 398 IPS अफसर ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। देश के 98 IAS अफसर सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा दीक्षा लेकर IAS अफसर बने हैं। अभी UPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें मध्य प्रदेश के 2 छात्र जिनकी पूरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हाई सेकेंडरी तक सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। और देश के 4,000 MBBS डॉक्टर जो कई PG कर ली, कई और विशेषज्ञ हो गए, वे सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़े हैं। देश की तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना और नेवी में कई बड़े पदों पर सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। कई वैज्ञानिक हैं जो इसरो में काम करते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने तो भविष्य में इसकी भी प्लानिंग की जाएगी, और अभी हम लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हैं, और उसके बाद ही हमारे पास साथ रीवा के भी छात्र हैं अभी यहाँ पर जो हैं, इंदौर के भी हैं और भोपाल के भी। ठीक है, तो हम कोर्ट में जाकर प्राइवेट इस्तगासा लगाएंगे और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इससे पहले यदि दिग्विजय सिंह जी माफ़ी मांग लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा।